इस बीच इलाहाबाद कौशाम्बी का सियासी रण कैसा है ये भी जान लीजिए। भाजपा से केपी श्रीवास्तव हैं जो मैदान में हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से वासुदेव यादव मैदान में इस समय हैं। बिल्कुल, और अपने अपने पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इलाहाबाद कौशाम्बी की अगर बात करें तो यहाँ वीवीआईपी वोटर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने ये दावा कर दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। अब आइए सीधा आपको प्रयागराज हम लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद मोइन, उनके पास चलेंगे। मोइन, क्या जानकारी है आपके पास? अब जब मतदान खत्म होने में तकरीबन 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, तो किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ आज दिन भर की हलचल रही? जी बिल्कुल, अगर इलाहाबाद कौशाम्बी सीट की बात करें तो यहाँ मतदान खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी है। दोपहर 2 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक यहाँ 91% वोट पड़ चुके थे। तमाम वीआईपी वोटर्स ने यहाँ पर वोट डाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने, और इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। और आपको बता दें कि आज यहाँ जो भी वीआईपी वोटर्स वोट डालने के लिए आए, सब इसी बात पर चर्चा करते रहे कि शिवपाल यादव ने जो बयानबाजी की है, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी दिग्गज नेता थे सबने शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी, इशारों में ये कहने की कोशिश की कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर सहमत